हेलो गुड मॉर्निंग टोलफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास इतिहास का पहला नंबर चैप्टर, और ये जो सेशन चल रहा है बिहार बोर्ड का है। इससे पहले मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुका हूँ, भूगोल का एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आज जो है हम लोग इतिहास का एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो इतिहास है विश्व इतिहास है, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिटेल से दिया गया है। हालांकि आप लोग टेंथ क्लास में जब पढ़ेंगे एक चैप्टर आएगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी दिया गया है। तो नाइन्थ क्लास का आज पहला नंबर चैप्टर पढ़ते हैं लोग, और चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी आती रहेंगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिक्स क्लास से पढ़ाया जाए छठे क्लास से, तो छठा क्लास से सारे सब्जेक्ट शुरू होंगे। अभी जो है एक तरह से डेमो क्लास चल रहा है, इसको आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से फिर पढ़ाऊँगा, दोबारा पढ़ाऊँगा, हर एक चैप्टर का मैं MCQ लेके आऊँगा, हर चीज़ कराऊँगा। एक से दो दिन और आप सभी वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी से पहले भी बोला हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन जो है उसमें एक दो दिन और समय लगेगा, उसके बाद जो है ऐप जो है आप सभी के सामने, आप सभी के समक्ष मैं ला दूंगा, आप सभी को मिल जाएगा। वहाँ से चीज़ें कैसे क्या होगी सारी चीज़ें बता दूंगा। किताबों के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, कौन कौन सा बुक लिस्ट होगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के बता दूंगा आप सभी को। एक बार ये एक दिन हमें लगता है आज या कल तक हो जाना चाहिए, ठीक है। 4-5 दिन हो गया इसको दिए हुए, हमें लग रहा है कि आज या कल में हो जाएगा कंप्लीट। तो चीज़ें मैं आपको क्लियर रूप से समझा दूंगा। आज हम लोग पढ़ते हैं पहला नंबर चैप्टर, चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें, ठीक है। भौगोलिक खोज का मतलब क्या होता है, नए नए जगहों को खोज करना भौगोलिक खोज कहलाता है। इस सब में भौगोलिक खोज में सबसे आगे जो था ना वो था स्पेन और पुर्तगाल। मतलब क्या कि पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से नए नए जगहों को खोज कर रहा था यूरोप महादेश, और यूरोप महादेश में स्पेन और पुर्तगाल ये जो दो देश थे वो सबसे आगे थे नए नए जगहों को खोज करने में। देखिए फ्रांस भी था, इंग्लैंड भी था, डच भी था, बहुत सारे देश थे, लेकिन स्पेन और पुर्तगाल सबसे तेज़ी से नए नए जगहों को खोज कर रहा था, यानी सबसे आगे यही था। इसलिए था क्योंकि पुर्तगाल का जो राजकुमार था और स्पेन की जो राजकुमारी थी, ये दो जो लोग थे इनको नए नए जगह खोज करने की बड़ी इच्छा थी, अपनी पर्सनल इच्छा थी, है ना, अपने वाणिज्य का व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, इसके वजह से भी नए नए जगहों का खोज कर रहे थे, ठीक है। आगे आइएगा तो आगे आप लोगों को सब डिटेल से पता चलेगा कि कौन कौन क्या थे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पुर्तगाल के जो एक यात्री है उसका नाम है क्या, तो याद रखिएगा मार्को पोलो। क्या है मार्को पोलो। ये जो PDF आप सभी को दिख रहा होगा, ये जो PDF है ये आप सभी को क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा ना, क्योंकि बिहार बोर्ड का जितना भी PDF आप नेट से खोजिएगा ना इसी टाइप का मिलेगा, और इससे और बड़ा जूम करेंगे ना तो ये आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। मतलब ये मैक्सिमम हो गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पूरा फुल स्क्रीन क्यों नहीं कर रहा है, तो NCERT जो है ना उसको फुल स्क्रीन किया जा सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड ज़्यादा जूम करेंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये जूम जो है नहीं हो सकता है, समझे ना। तो यहाँ देखेंगे तो पुर्तगाल के यात्री थे, क्या नाम था, मार्को पोलो। ये पहुँचते विजयनगर साम्राज्य में और फिर वापस पहुँचते चीन के शासक कुबलाई खां के पास, यानी दो जगह जाते हैं। एक तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में पहुँचते हैं कौन, मार्को पोलो। विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी तारीफ करते बताते हैं। उसके बाद ये पहुँचते हैं कहाँ पर, चीन में पहुँचते हैं, चीन के कुबलाई खां के पास पहुँचते हैं, उनकी भी तारीफ करते हैं किस में, अपनी यात्रा वित्रांत में। किस में करते हैं, अपनी यात्रा वित्रांत में। अब आप सभी पूछिएगा कि यात्रा वित्रांत मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल समझिए, आज के समय में जैसे कैसे देखते हैं मोबाइल लेके लोग ब्लॉग बना रहा है कि यहाँ गए, ऐसे गया, वैसे गया, मतलब अपनी पूरी यात्रा के बारे में, अपनी पूरी टूर के बारे में लोग क्या करते हैं, अब रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से। उस समय पुराने ज़माने में तो कोई भी मोबाइल तो था नहीं कि रिकॉर्ड किया जाएगा, तो क्या था, डायरी में लिखा जाता था कि कैसे कैसे गए, क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिला। सिंपल समझे वही यात्रा वितरण जो है वर्तमान समय का जो है ब्लॉग हो गया, तो वही चीज़ हो गया, ठीक है। तो वो मार्को पोलो लिखे थे कि हम यहाँ यहाँ गए, हम जो है भारत पहुँचे तो विजयनगर साम्राज्य में जाकर घूमे, वहाँ पर देखे, उसके बाद चीन गए तो कुबलाई खां के शासन व्यवस्था को देखे, ठीक है। तो इन सब के बारे में चर्चा किए हुए, ठीक है। आगे आइएगा तो आगे समझ आएगा अगला पेज में, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय के लोगों को एक अंधविश्वास था। क्या अंधविश्वास था, उन लोगों को अंधविश्वास था कि भाई साहब कि अटलांटिक महासागर जो है ना अंध महासागर है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है कि देखो आप लोग देखेंगे जो बड़ी नदी होगी ना उसके भी आर पार नहीं दिखाई देगा, है ना, उस पार क्या दिखाई नहीं देता है। समुद्र तो बहुत बड़ा हो गया है कि नहीं है, बहुत बड़ा हो गया समुद्र। अब समुद्र के उस पार क्या है भैया, कैसे दिखाई देगा, है कि नहीं है। तो और ख़ासकर समुद्र की लहरें इतनी भयानक रहती है, आप सभी पहले से जानते होंगे बहुत सारे लोग, है कि नहीं है। तो पहले के लोगों को डर लगता था कि भाई साहब समुद्र में जाएंगे तो पता नहीं वापस जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, एक तो ये डर था। दूसरा क्या डर था ना, दूसरा इस बात का डर था, उनके लगता था कि समुद्र जो है ना कहीं तो समाप्त हुआ है, और जहां समाप्त हुआ ना वहां ऐसे गिर जाएंगे धरती से बाहर, यानी कि अगर हम समुद्र के रास्ते जा रहे हैं तो एक ना एक जगह कहीं एंड आएगा, तो वहां पर हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे,
है कि नहीं। ये दो तरह का मतलब बहुत सारे ऐसे डर लोगों के बीच में बना हुआ था, इसीलिए देखा जाएगा तो अटलांटिक महासागर को भी लोग अंध महासागर भी कहते थे। क्या कहते थे? अंध महासागर। और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक एक कटक होता है, कटक क्या होता है ना, जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि ज्वालामुखी जो निकलता है ना, ज्वालामुखी, तो आप लोग देखते होंगे कि ऐसे बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, इसमें से लावा निकल रहा है। होता क्या है कभी कभी, जैसे मान के चलिए ये समुद्र है, तो कभी कभी होता क्या है कि नीचे से ज्वालामुखी जो निकल रहा है यहीं पर आकर रुक गया, यानी समुद्र के ऊपर नहीं आया, समुद्र के अंदर अंदर आकर रुक गया। तो होता क्या है कि जहाज जो ऊपर से जा रही है उसको पता नहीं है कि नीचे जो है, नीचे समुद्र के अंदर जो है बड़े बड़े चट्टान जो है खड़े हुए हैं, और ऐसे नुकीले नुकीले चट्टान है। होता था क्या कि पहले पहले क्या होता था कि जब जहाज ऐसे जाता था ना, तो कुछ ऐसे उपकरण नहीं थे कि नीचे जान सके कि नीचे क्या है, कैसी स्थलाकृति है, कैसे नीचे का जमीन है, तो जहाज के पेंदिया लड़ जाता था, फूट जाता था और डूब के आदमी मर जाता था। तो इसीलिए अंध महासागर कहा जाता था अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर में इस तरह के कटक बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, मतलब नीचे समुद्र के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे चट्टान जो है बने हुए हैं, जो धरती से निकला समुद्र के ऊपर नहीं आ पाया, समुद्र के ऊपर आ जाता तो वो द्वीप हो जाता, आइलैंड हो जाता है ना, लेकिन समुद्र के अंदर अंदर रह गया तो वो एक तरह से खतरनाक हो गया, समझे ना। तो ये चीजें थी आ गया जी, इसलिए अंध महासागर कहा जाता था। यहां देखिए तो 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम में, कहां पे भैया, तो जेरूसलम जो वर्तमान समय में इसको इजराइल कहा जाता है, इस जेरूसलम में क्या हुआ कि यहां पर धर्म युद्ध चलना शुरू हुआ था। हुआ क्या था एक्चुअली में, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेता है तुर्की। कौन करता है कब्जा? तुर्की कर लेता है। अब जो तुर्की जो है ना, यहाँ पर शासन था मुस्लिमों का, उसको कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। क्या कहा जाता था? ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। इन्होंने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। कुस्तुनतुनिया जो है ना, ये ईसाइयों का गढ़ था, है ना। अब भाई साहब, यूरोप में ज़्यादातर लोग ईसाई थे, जब कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हुआ ना, तो बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब गुस्सा आ गए, एक तरह से समझिए कि धर्म युद्ध की तरह जो है वहाँ पर युद्ध छिड़ गया, ठीक है। ये कहानी हो रही है 1453 के, 1453 में। क्वेश्चन पूछता है कि 1453 ईस्वी में ये कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किसने किया था, तो तुर्की वालों ने किया था, जिसको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। आगे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि अब जो है यूरोपवासी नए नए जगहों को खोज करने के लिए, अपनी विकास करने के लिए, अपने वाणिज्य का व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक नए नए चीज़ों को बनाना शुरू किया। जैसे इन्होंने एक बनाया एस्ट्रोलोब। एस्ट्रोलोब क्या है? अक्षांश जानने का उपकरण। क्या होता है? अक्षांश जानने का उपकरण। कई बार मैं बताया हूँ कि ये मान के लिए अपना जो है गया, ये प्यारा सा हो गया, क्या ये हो गया अपना प्यारा सा ग्लोब हो गया। ग्लोब में ये पूरब पश्चिम जो भी रेखाएं खींची गई रहती, इन सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। टोटल अक्षांश रेखा जो होती है 179, और टोटल जो अक्षांश होता है 181। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी के पहला नंबर चैप्टर में ही डिटेल से, है कि नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है, अब कह रहा है कि अक्षांश जानने वाला उपकरण बनाया गया, जिसका नाम रखा गया एस्ट्रोलोब, समझे ना। तो अक्षांश जानने का उपकरण बन गया। अब अक्षांश से जान सकते थे कि हम कितने डिग्री अक्षांश पर घूम रहे हैं। उसके बाद क्या था, पुर्तगालियों ने एक जहाज़ बना दिया, जहाज़ का नाम रखा केरावल। ये बहुत ही एक नए किस्म के जहाज़ थी, और हल्का और तेज़ चलने वाला जहाज़ था। क्या था? हल्का और तेज़ चलने वाला एक जहाज़ बना दिया गया, जिस जहाज़ का नाम था केरावल। किनके द्वारा बनाया गया? पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे आते लो, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 1488 ईस्वी में, 1400 क्या हो रहा है कि 1488 ईस्वी में पुर्तगाली एक व्यापारी है बार्थोलोमियो डियाज। कौन? बार्थोलोमियो डियाज, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरी पहुंच जाता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ये क्या है, सिंपल समझिए, यहाँ समझिए। हुआ क्या, ये मान के चलिए कि ये जो है ये यूरोप हो गया, ये अपना एशिया हो गया, ठीक है, ये एशिया हो गया। यहाँ जो है ना, यहाँ पर है ये कौन सा, ये जो है, ये जो कॉन्टिनेंट है ये है आपका अफ्रीका। यहाँ से निकला बार्थोलोमियो डियाज और निकल के पहुँच गया यहाँ पर, ये जो जगह है ना, इस जगह को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आशा अंतरिप, जो अफ्रीका का, जो ये अफ्रीका महादेश हो गया, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे लास्ट पॉइंट, इसको अंतरिप भी बोला जाता है। कई बार आप सभी को बताया हूँ कि जो जगह तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, और उसी का नीचे वाला जो कोना है, ये वाला कोना, इसको अंतरिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिप। जैसे भारत का भी तो नीचे वाला कोना है, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अंतरिप बोलते हैं, और पूरा क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जो नीचे वाला कोना है ना, इसके भारत को बोलते हैं कि इसको बोलते हैं अंतरिप, चाहे किसी भी जगह को बोलेंगे अंतरिप। और ये अंतरिप जो है ना, भारत वाला है, उसका नाम है कुमारी अंतरिप। क्या नाम है? कुमारी अंतरिप, कुमारी अंतरिप, ठीक है। और यहाँ दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी जो अंतरिप है, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, उसी को हिंदी में बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिप, ठीक है, याद रखिएगा।
यहाँ जो है बार्थोलोमियो डियाज 1488 में पहुँच गया, यानी यहाँ तक खो चुका था, लेकिन इससे आगे यहाँ अपना जो ये है भारत अपना, तो यहाँ आने का रास्ता उसको नहीं पता था कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसको नहीं पता था कैसे पहुँचे, यहाँ तक बेचारा आके लौट गया। उसके बाद से 1492 ईस्वी में अगला ठेकेदारी मिलता है, मतलब नया जगह खोज करने का, क्रिस्टोफर कोलंबस को। ये भी जाता है खोज करने भारत के रास्ते की, लेकिन पहुँच जाता है अमेरिका, पहुँच जाता है नई जगह पर। कहाँ पहुँच जाता है? नई दुनिया। उसने नया जगह पहुँच गया और पहुँच के क्या किया, उसने कहा कि यही भारत है। बाद में पता चला कि नहीं भैया, ये तो भारत नहीं है, तो जगह का नाम रख दिया नई दुनिया, क्योंकि पहली बार वो जगह मिला था, उससे पहले जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। यानी अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। क्या कोलंबस ने अमेरिका का नाम अमेरिका रखा था? नहीं रखा था। उसने क्या बोला था? इसको नई दुनिया बोला था। क्या बोला था? नई दुनिया बोला था। तो अमेरिका नाम किसने रख दिया, आगे बताऊंगा, डिटेल समझिएगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा 1498 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज के बाद जो है अगला जो आता है वो आता है कौन सा, तो याद रखिएगा, वो आता है आपका जो क्या बोलते हैं उसको, वास्को डिगामा, जो भारत पहुँचता है मई 1498 में। वास्को डिगामा जो है ये भारत पहुँचता है। कैसे भारत पहुँच गया? क्योंकि उसको तो पता था ना, ये अफ्रीका का जो दक्षिणी बिंदु है, ये तो कम से कम उसको पता था कि जो अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है, यहाँ तक केप ऑफ गुड होप के बारे में कैसे पता था? क्योंकि बार्थोलोमियो डियाज यहाँ तक आ चुका था, वो भी तो पुर्तगाली था। तो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी जो कि वास्को डिगामा है, यहाँ तक तो आसानी से पहुँच गया, लेकिन यहाँ जो अपना प्यारा सा भारत है, यहाँ वो नहीं जानता था कैसे आएंगे। यहाँ पर मिल जाता एक व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। वो क्या करता है? पैसा का लालच में ले चलाता है इनको यहाँ पर। कहाँ पर लेके आता है? याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ कहाँ पर आए, लेकिन उसको ऐसे याद रखिएगा, किस तट पे लेके आया? तो याद रखिएगा, मालाबार तट पर। मालाबार तट पर कौन से तट पर भैया? मालाबार तट पर। किस बंदरगाह पे लाया? तो याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह? कालीकट बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह? याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, किस बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह। राजा कौन थे? तो याद रखिएगा, जमोरिन। राजा कौन थे? जमोरिन। ठीक है, कौन पहुँचता है? तो वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा। कब पहुँचता है? तो मई 1498 में। कब पहुँचता है? मई 1498 में। ठीक है, 20 मई 21 मई कहीं कहीं अलग अलग डेट देता है, लेकिन मई 1498 याद रखिएगा। आगे आएंगे, अब ये जब पहुँचता है तो इसको क्या हुआ, क्या किया? यहाँ पर घूमा, राजा जमुरी ने इसके काफ़ी स्वागत किए और बहुत सारा चीज़ दिए। जो सामान यहाँ से वस्तु जो मिला ना, वस्तु में इसको 26 गुने मुनाफा हुआ यूरोप के बाज़ार में जब उसको ले जाकर बेचा। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोग, 26 गुना उसको फ़ायदा हुआ कि 60 गुना उसको फ़ायदा हुआ? भैया बताइए, 60 गुना फ़ायदा हुआ कि 26 गुना फ़ायदा हुआ? बहुत सारे लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी में दिया हुआ 60 गुना, या 8वां क्लास में भी 60 गुना दिया है, लेकिन भाई साहब 26 गुना क्यों दिया है? अब बताते हैं, यहाँ एक चीज़ें मिसिंग है, छोड़ दिया है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि काली मिर्च, कौन सी भैया? काली मिर्च गोल का काला मिर्च देखे होंगे, ऐसे गोल रहता है जो काला मिर्च जो रहता है, काली मिर्च जो था ना यूरोप में, मान के चलो कि उस समय भारत में 1 रुपये में काली मिर्च मिल रहा था, तो यूरोप में 26 रुपये मिल रहा था। कितने रुपये में? 26 रुपये में। जब वास्को डिगामा आया तो कह रहे, बाप रे बाप, ये तो हमारे एरिया में 26 गुना में बेचाता है कि नहीं है, यहाँ तो 1 रुपये मिल रहा है। यानी काली मिर्च के जो दाम था ना, वो 26 गुना ज़्यादा था। उसने ढेर सारा खरीदा, ले जाकर अपने यूरोप में 26 गुना ज़्यादा मुनाफा पर बेच दिया। ठीक है, समझे ना? और भी सामान बहुत सारा चीज़ लेके गया था, ढेर सारा मसाला लेके गया था। ओवरऑल जब पूरी सामान बेचा ना, तो उसको 60 गुना ज़्यादा फायदा हो गया। कितना हो गया? 60 गुना ज़्यादा फायदा हो गया। अब समझ आया 26 गुना क्यों लिखा हुआ है? आगे आ जाइए, आगे समझते लो। यहाँ आएंगे तो लिखा हुआ है कि जो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसको, कोलंबस जो गया था अमेरिका में, तो उसने भारत के लोगों को रेड इंडियन कहा। मतलब कि भारत के लोग नहीं, वो अमेरिका के लोग थे, उसको लगा कि भारतीय है, तो उसने इनको रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। बाद में उसी का एक और चेला था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। उसने क्या किया? कहा कि नहीं भाई साहब, हम लोग सिर्फ जाके वो नई दुनिया जो जगह था ना, यानी अमेरिका जो जगह था, उसको देख के आ गया, लो पूरा खोजे नहीं है लो, अब हम जाते हैं खोज के आते हैं। तो अमेरिगो वेस्पुची जो है ना, वो पूरा जगहिया को खोज करने गया कि भाई पूरी जगह को हम खोज के आते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट, पूरे महाद्वीप में घूमा। घूमने के बाद जो है उस जगह का नाम रख दिया गया क्या? अमेरिगो, यानी कि अमेरिका। क्या नाम रख दिया गया? अमेरिगो यानी अमेरिका नाम रख दिया गया, है कि नहीं है? तो खोज किया था कोलंबस, नामकरण हुआ अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर, जो कि स्पेन का ही नाविक था। समझ आ गया आप सभी को? आगे आएंगे तो यहाँ देखेंगे 1519 ईस्वी में एक और चचा थे, मैगलन चचा। ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिए। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलन, याद रखिएगा।
आगे आएंगे तो कैप्टन कुक जो है ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं और साथ साथ न्यूजीलैंड की खोज करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये हो गया प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके नीचे देखेंगे तो ये न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज करने वाला कौन था? तो कैप्टन कुक था। कौन था भैया? तो कैप्टन कुक। कौन था? याद रखिएगा, कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड का भी खोज किए थे, समझे ना। एक आप लोग जानते होंगे कैप्टन कुक नमक का एक नमक भी मिलता है कि नहीं? देखते होंगे नमक वाली जगह, तो उसमें देखिएगा एक नाविक का फोटो बना होगा, जहाज होगा, जहाज के ऊपर एक कैप्टन का फोटो बना होगा कैप्टन कुक। ये नहीं है कैप्टन कुक, ये तो कोलंबस है। कौन है? ये तो कोलंबस है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन है? कोलंबस है। आगे आते लो, यहाँ देखिए लिखा भी है कोलंबस है। अब ये नई दुनिया जो बता रहा है, अमरीका महाद्वीप को नई दुनिया कहा गया था, ये चीज़ें आपको बताई दी है। अगला आते लो, यहाँ आ जाते लो, यहाँ लिखा कि इसका परिणाम क्या हुआ, यानी जो जो नया जगह खोजा जा रहा था इससे क्या परिणाम हुआ। तो पहला परिणाम हुआ कि व्यापार इनका बढ़ गया, बिजनेस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। औपनिवेश मतलब पिछले क्लास में बता चुके हैं, कई बार बताया है कि औपनिवेश मतलब होता है कि गुलाम जगह। क्या होता है भैया? गुलाम जगह। शॉर्ट कम समझिए तो गुलाम जगह। जैसे भारत जो है किसका उपनिवेश था? भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी गुलाम था 1947 से पहले, ठीक है। तो ये नए नए जगहों का कब्जा करते गए, गुलाम बनाते गए, तो औपनिवेशिक साम्राज्य का क्या हुआ? विकास होने लगा। वाणिज्यवाद का विकास हुआ, यानी बिजनेस बढ़ते गए। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ और पश्चिमी सभ्यता का भी प्रसार हुआ। जाहिर सी बात है, यूरोप में कौन सी सभ्यता थी? पश्चिमी सभ्यता थी, पश्चिम में है, और ईसाई धर्म वहाँ ज़्यादा था, तो उसका विस्तार होने लगा। दास प्रथा का विकास हुआ। दास प्रथा मतलब होता है जैसे कैसे वर्तमान समय में देखते होंगे तो पशु मेला लगता है, बहुत पहले से भी लग रहा है, वर्तमान समय क्या, बहुत पहले से दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है कि नहीं है। तो उसी तरह पहले के ज़माने में लोगों का मेला लगता था, लोग बेचाता था, माना जानवर की तरह लोग बेचा जाता था, लोग खरीद कर जाते थे, उसी को दास व्यापार कहा गया। भ्रांतियों का अंत हुआ, वही भ्रांति जो लोगों का भ्रम था कि भाई सब समुद्र से गिर जाएंगे या है वो है। तो नए नए जैसे जैसे चीज़ें खोज करने किया गया, जैसे ही ज़रूरत पड़ी तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कथन कई बार सुनते हैं। ये चीज़ें होने लगा धीरे धीरे वहाँ पर। भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि हुई, तब जाहिर सी बात है नया नया जगह मिलेगा तो नया नया जगह की जानकारी आपको पता चलते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिए गई, इसी के बारे में डिटेल्स दिया गया, हालांकि इसमें कुछ जानने वाला चीज़ है नहीं। आगे आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ कि उस समय जैसे कैसे बिहार का देखा जाए तो सबसे डेवलप शहर में पटना आ जाएगा, उसी तरह उस समय के समय में ये जो जगह था, लंदन था, एम्स्टर्डम था और एंटवर्प था, ये सब क्या थे? एक तरह से औद्योगिक केंद्र वाले जगह थे, यानी कि बिजनेस वाले बड़े बड़े शहर थे। यहाँ आएंगे तो अपने यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन कौन से देश जो है इसकी कंपनी की स्थापना हुई। जैसे पुर्तगाल कंपनी का स्थापना हो रही है 1498 में, उसके बाद अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 में, पूरा डेट की याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद से डच कंपनी जो है 1602 में, फ्रांसीसी 1664 में, डेनिश वाला 1616 में और स्वीडिश वाला जो है 1731 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हो रही है। ये कंपनी कौन है? भारत में आने वाली कंपनियां हैं, ठीक है। कौन सी कंपनी? भारत में आने वाली कंपनियां हैं। आगे आएंगे लो, आगे देखेंगे लो, यहाँ पर आइए, दास प्रथा तो बता ही दिया, सारी चीज़ बता दिया। यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि यूरोप में, याद रखिएगा, यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मकई, आलू, तंबाकू, उसके बाद से नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। यानी कि यूरोप जो यूरोपीय कंपनी थी दुनिया भर जगहों पर जा रही थी, तो वहाँ से नए नए चीज़ों का क्या की, नए नए चीज़ों का खोज की, नए नए चीज़ें उसको मिला, नए नए सामान मिले। वो नए नए जो सामान है वो कहाँ से मिला? बहुत सारे देशों से मिला, है ना। कहीं से उसको कहवा मिला, कहवा मैंने बताया कॉफ़ी, कहीं से उसको कहवा मिला, कहीं से चाय मिला, गन्ना मिला, मकई मिला, आलू मिला, तंबाकू मिला, नील मिला, बहुत सारी चीज़ें उसको दुनिया भर के जगहों से मिली। किसको मिली भैया? तो यूरोप को मिला, यूरोप महादेश को। उसने भारत में क्या लेके आया? यूरोप के माध्यम से भारत उसने क्या लेके आया? चाय लेके आया, कॉफ़ी लेके आया, तंबाकू लाया और आलू को भारत लेके आया। कौन लेके आया? यूरोपीय कंपनी। भारतीय फसल कौन कौन से थे? तो आम और गन्ना जो है भारत की मूल फसल है। क्या है? मूल फसल है, ठीक है। आगे आते हैं लो, आगे देखेंगे लो, तो यहाँ लिखा हुआ कि अन्य परिणाम क्या हुआ? यूरोप जो विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्गम हुआ। यानी कि भौगोलिक खोजों का अन्य परिणाम क्या हुआ कि इटली में बहुत सारे नगर बनने, नए नए नगरों का मतलब क्या, उद्भव होने लगा, नए नए नगर की स्थापना होने लगी।
भूमध्य सागर का महत्व बढ़ा। अब भैया भूमध्य सागर किधर है, पहले भूमध्य सागर जानते रहेंगे तब ना बताएंगे कि भूमध्य सागर का महत्व कैसे बढ़ा। यहाँ अभी बताए हैं कि ये जो जगह है, अरे ये जो जगह है कौन सा, मान के चलिए कि ये पूरी जो है कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया, ठीक है। उसके नीचे अभी बोले हैं कि ये जो है क्या है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका मान के चलिए हो गया, अफ्रीका हो गया, ये जो है आपका अरब है हो जाएगा, अरब के बाद आएंगे तो यहाँ पर आएंगे तो ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है, ये अपना प्यारा सा भारत हो गया। ये जो जगह है ना एक्चुअली में ये जो जगह भूमि के मध्य में, यानी इस भूमि और इस भूमि के मध्य में एक सागर है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। कभी मैप से इसको डिटेल से समझा दूंगा, ऐसे घबराना नहीं आप सभी को, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा भूमध्य सागर। आगे जी आगे लिखा है कि पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का एक तरह से क्या हुआ, विकास हुआ, नौ सैनिक क्रियाकलाप में वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है कि समुद्र के रास्ते रहने जगह खोज हो रहा था तो जाहिर सी बात है नौ सेना जो है इसका विकास होगा ही। आ गया जी, अब आते लोग क्वेश्चन आंसर पर, क्वेश्चन आंसर देखते लो। क्वेश्चन लिखा है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के यात्री था। अमेरिका की खोज किसने किया, याद रखिएगा कोलंबस ने किया, कब किया था 1492 में किया था, याद रखिएगा। स्पेन का जो नाविक था, एक तो स्पेन का नाविक जो था कोलंबस भी था, उसके अलावा क्या देखें अमरीको वेस्पुची भी था, है कि नहीं है। इंग्लैंड से क्या याद रखना है, इंग्लैंड से आप लोग को याद रखना है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हो रही है कब हो रही है, 1600 में हो रही है, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को। दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा, हो सकता है कि आप सभी को इस कैमरा में जो है ये मतलब ये पीडीएफ जो है क्लियर रूप से ना दिख रहा हो, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का पीडीएफ है भैया, इसीलिए थोड़ा सा ख़राब दिखता है। एनसीईआरटी का आएगा तो बहुत डिटेल से आएगा, तो दोनों ही पढ़ना जरूरी था, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, घबराना नहीं आप लोगों को, ठीक है। और भी धीरे धीरे चीज़ें बताते जाऊँगा आप सभी को। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा, तो अरबों से सीखा, किससे सीखे थे, अरब से सीखे थे। उत्तम आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, अभी जस्ट बताया कि इसकी खोज जो है बार्थोलोमियो डियाज ने 1488 में किया था, ठीक है। वास्को डी गामा जो है भारत पहुँचने वाला था, मतलब भारत पहुंचा था। कोलंबस जो है नई दुनिया की खोज किया, यानी अमेरिका की खोज किया। मैगलन जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था 1519 में, है कि नहीं है। ये चीज़ें आप सभी को डिटेल में बता ही दिया आप सभी को, आगे आएंगे तो अगला देखते हैं। लो यहाँ जी है, चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई, 1492 में कोलंबस द्वारा। 1498 में क्या हुआ था, भारत पहुंचा था ये क्या नाम है इसका, वास्को डी गामा। 1453 में क्या हुआ था, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तुर्की ने, ठीक है। अगला क्या है, 1519 ईस्वी में मैगलन जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। सारे ऑप्शन को अपना डील करना है। कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किस वर्ष हुआ, 1453 में, किसके द्वारा, तुर्की द्वारा, किसके द्वारा, तुर्की द्वारा। विश्व की चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया, मैगलन ने लगाया, कब, 1519 ईस्वी में, कब लगाया भैया, 1519 में, ठीक है। अगला आ जाएंगे, अगला देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे अगला, तो यहाँ लिखा है कि सही गलत, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, नहीं कहा जाता, वो तो अमेरिका का ना कहा गया जी, है कि नहीं, अमेरिका का कहा गया। अगला लिखा हुआ कि उत्तम आशा अंतरिप की खोज भारत, उत्तम आशा अंतरिप की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, यानी इसके खोज के ही, खोज के बाद ही भारत तक पहुंचने का रास्ता मिल पाया, बिल्कुल मिल पाया, है ना। उत्तम आशा अंतरिप के बारे में अगर नहीं पता रहता तो ये कैसे पहुंचता था, यहाँ तक नहीं पहुंच पाता था तो भारत कैसे पहुंच जाता था, तो इसके ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट में है, यानी मान के चलिए ये अपना प्यारा सा भारत है, इसके पूरब में अटलांटिक महासागर दिख रहा है, नहीं है जी, कौन सा है, अरब सागर है, कौन सा है, अरब सागर है। अटलांटिक महासागर किसके पूरब में है, पूरे यूरोपीय महादेश के पूरब साइड में अटलांटिक महासागर है, या अफ्रीका का भी, यानी इसके पूरब में है अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला आते हैं लो, अगला देखते हैं लो आपको, मार्को पोलो ने भारत की खोज की, बिल्कुल नहीं, मार्को पोलो जो है भारत की खोज थोड़ी किया था, ये भारत की खोज नहीं किया था, याद रखिएगा। मार्को पोलो भारत पहुंचने वाला व्यक्ति था, भारत एक्चुअली में भारत की खोज तो ये वर्ड ही गलत है, किसी ने खोज नहीं किया था, भारत की रास्ते की खोज, भारत की रास्ते की खोज ऐसे लिखना चाहिए था, वास्को डी गामा ने किया था, वास्को डी गामा ने, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला आएंगे लो, अगला देखेंगे लो, लिखा है कि जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, बिल्कुल है, जेरूसलम को ही तो वर्तमान इजराइल नाम दे दिया गया है। लिस्बन दास व्यापार एक बहुत बड़ा केंद्र था, जैसे कैसे बताया कि पशुओं का बड़ा बड़ा केंद्र होता है जहां पशु बिकाते हैं, पशु मेला लगता है, उसी तरह लिस्बन एक जगह है जहां पर व्यापार मतलब जो दास लोगों का व्यापार किया जाता था। अमरीगो वेस्पुची ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा, बिल्कुल, और खोजने के बाद अपने नाम पर ही रख दिया अमरीका नाम,
है कि नहीं है, ये चीज़ें बता चुका हूँ डिटेल से। यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन लिखा है भारत आने वाले किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डिगामा की मदद की थी, तो वो मदद करने वाला था अब्दुल मजीद। कौन था? अब्दुल मजीद जो है ये मदद किया था किसको? वास्को डिगामा को, तब भारत ये पहुँच गया। देखिए साफ साफ हमको लग रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें मैं इतना नज़दीक हूँ ना, फिर भी थोड़ा ब्लर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि कैमरा में आपको साफ ना दिखे, फिर भी पीडीएफ ही वैसे ही है, ठीक है। इसको जब क्लास शुरू होगा ना, हम लोग को एप्लीकेशन पर जब भी क्लास शुरू होगा, एक दो दिन में शुरू हो जाएगा, तब इसको मैं प्रिंट करा के इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहना चाहिए। बाद में जब प्रिंट करा के पढ़ाया जाएगा तो आप बोलिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ाइए, बिहार बोर्ड पढ़ाइए। मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों को एक साथ करके, यानी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को दोनों को एक साथ कंबाइंड करके एक ज़बरदस्त पीडीएफ बनाया जाएगा, और उस पीडीएफ को यानी उस नोट से आपको डिटेल से समझाया जाएगा, हर पॉइंट को टच करना है। थ्योरी भी मैं कराऊंगा और साथ ही साथ में एमसीक्यू भी कराऊंगा, दोनों को मिला के, एससीईआरटी बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके एक साथ एक एमसीक्यू बनाऊंगा, और एक साथ मैं एक थ्योरी भी बनाऊंगा, और वो चलेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से एप्लीकेशन पर। अब आप लोग कब बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन कब आएगा, ऐप कब आएगा, तो देखिए मुझे भी जानकारी नहीं थी कि ऐप बनने में एक हफ्ता लग जाता है, मुझे लगा था एक दो दिन काफ़ी है बनने के लिए, थोड़ा मैं लेट बोला, लेट हो गया, ठीक है। चार दिन हो चुके हैं, सैटरडे से पहले ही मैंने दिया हुआ था, और उम्मीद है कि आज या कल जो है कन्फर्म बन जाना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा चीज़ों को, जैसे ही आएगा मैं अनाउंस कर दूंगा और चीज़ें बता दूंगा। बुक वगैरह का बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आता है कि कौन सा बुक लिया जाए, तो देखिए एक बुक कोई थोड़ी है, मैं आप लोग को जो वीडियो बनाता हूँ दिखाता हूँ। जैसे एक बुक बोलिएगा तो ज्योग्राफी का है महेश कुंवर बर्णवाल का, उसको मैं बोल सकता हूँ। इतिहास में कोई एक बुक नहीं है, इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन कहीं और से मोस्टली मैं बोलता हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। जैसे मोस्टली क्वेश्चन देखिएगा तो महेश कुंवर बर्णवाल का इतिहास ले सकते हैं, दृष्टि का ले सकते हैं, है ना, कहीं से भी उसमें से ठीक ठाक आ जाता है, जो बढ़िया पब्लिकेशन की किताब है ना, साइंस वगैरह का है, जो एक सेपरेट वीडियो बना के सबको समझा दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। हालांकि 5-10 किताब खरीदने से अच्छा है कि एक बहुत ही कम प्राइस में जो बैच हम लोग का आएगा वहाँ से लेकर पढ़ सकते, इच्छा होगी तो। जैसे बैच लेके आऊँगा ना, अनाउंसमेंट करूँगा बैच का, तो उस समय बुक और बैच दोनों बता दूंगा, और कंपेयर भी कर दूंगा कि बुक लेना है या बैच लेना है, आप लोग को जो भी लेना है ले सकते हैं, क्योंकि बैच में पीडीएफ सारे मिलेंगे, सारे को अपने मेहनत से उसको कंबाइंड करके बनाऊंगा, और बुक जो है आप अपना खरीद लीजिए, खरीद सकते हैं, लेकर पढ़ सकते हैं। तो 5 बुक खरीदना हो या एक बुक से सस्ता पड़ेगा बैच, इतना तो कन्फर्म है, जितना आप 5 बुक खरीदिएगा ना उससे बहुत सस्ता पड़ेगा, है ना, अदर बैच से भी बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, इतना कन्फर्म है कि 50% से भी ऑफ रहेगा, इतना समझ रहे ना। तो जब उस समय जैसे ही आएगा, मैं जब दिखाऊंगा आप सभी को ना, तो आपको खुद क्लियर कट दिख जाएगा कि क्या बेटर रहेगा आप सभी को। उसके बावजूद भी जिनको जिनको लेना होगा, जो भी बैच या बुक जो भी, तो आप अपना अपनी इच्छा से ले सकते हैं। तो एक बार वो चीज़ें हो जाने दीजिए, इसीलिए मैं रुका हूँ कि डिटेल से समझा दूंगा, है कि नहीं है। जैसे तब तक ये चीज़ें यहाँ पर आती रहेगी, मैं तब तक चीज़ें आप लोग को मैप समझाते रहूँगा, मैं बिहार का मैप, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी जिनका होगा बहुत काम आएगा, है ना, आपका मैथ वगैरह का कुछ क्वेश्चन वगैरह कराते रहूँगा, मैप और मैथ दोनों अलग अलग बता रहा हूँ, मैप मतलब मानचित्र और मैथ का दोनों चीज़ें बताते रहूँगा। धीरे धीरे चीज़ें होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, यूट्यूब पर भी क्लास आते रहेंगे एमसीक्यू का, टेस्ट वगैरह का, वो सारी चीज़ें होती रहेगी। अभी फिलहाल इसको आप लोग देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे तो यूरोपवासियों ने न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगा था, तो सर जॉन सेबेस्टिन और एक कैबेट था, है ना, सेबेस्टिन कैबेट और सर जॉन, ठीक है, सर जॉन और सेबेस्टिन कैबेट दो उड़ा था लोग जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता लगाए थे। और उसके बाद यूरोपियों द्वारा तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा गया, तो केरावल कहा गया, अभी जस्ट पढ़े लोग। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है, तो केप ऑफ गुड होप, यानी उत्तम आसान द्वीप। अगला 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच में धर्म युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो जो भी धार्मिक स्थल थे वो दावा कर रहे थे कि हमारा और भी बहुत सारे कारण थे, कुस्तुनिया पर कब्जा कर लेना तुर्की द्वारा, ये भी कारण था ना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना ओटोमन साम्राज्य द्वारा, साम्राज्य का विस्तार करना, ये भी कारण था, बहुत सारे कारण थे जो धर्म युद्ध की तरफ बढ़ गया। आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा 1453 ईस्वी में कुस्तुनिया पर किसने आधिपत्य किया, तो तुर्की ने किया। अगला पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास में है, तो अटलांटिक महासागर के पास में है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ आ चुकी होगी। अब रह गया कि आप सभी जो है बहुत सारे लोगों का कहना है कि भैया ऐप के लिए आप नहीं बता रहे हैं और ना ही बुक के बता रहे हैं, तो मैं अभी जस्ट आप लोगों को समझाया कि बुक और ऐप ये दोनों चीज़ें जो है, यानी कि बुक और ऐप, ठीक है, एक साथ मैं दोनों चीज़ों को बता दूंगा, एक साथ कंपेयर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं ना। बुक जो है हर
किसी के लिए अलग अलग है। जैसे अगर कोई 6 to 8 वाले है, कोई बिहार पुलिस तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा है, कोई आपका दुर्गा का तैयारी करने वाला है, कोई बीपीएससी 70 वाला यानी 70वां बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं पीटी का, है ना, कोई 9-10 वाले है, कोई 1-5 पीआरटी वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हैं। हर एग्ज़ाम के लिए चीज़ें मैं डिटेल से समझाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। कोई भी चीज़ें होती है मैं चाहता हूं कि उसको पहले जांच पड़ताल करके ढंग से अच्छे से बताया जाए, आधा अधूरा नहीं बताया जाए। और पीआरटी के लिए आप लोग बुक जो दिखाया था उसमें बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये बुक कौन सा है, बुक कौन सा। अगला ही दिन मैंने आप लोगों को लाइव आकर वहाँ पर बुक को भी दिखाया था, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नहीं देखे थे, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आने लगा बुक नहीं बताएं, बुक नहीं बताएं। ठीक है, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ मैं उसमें स्पष्ट बोल देता हूँ कि मोस्टली का मतलब होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार उसी में से सब आ जाएगा। एकमात्र बुक की मैं गारंटी ले सकता हूँ ज्योग्राफी महेश कुमार बर्णवाल, हर बार उसमें से क्वेश्चन जो है आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जिनका टीआरई वाला एग्जाम है उनके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज जो इनका एसआई हो, बिहार पुलिस हो, बिहार बीपीसी 70 वाला एग्जाम हो, रेलवे हो, अदर एग्जाम हो, उसमें सिर्फ भारत का भूगोल थोड़ी पूछता है, विश्व का भूगोल पूछता है। महेश कुमार बर्णवाल की एक बुक आता है भारत का भूगोल, उससे सिर्फ जिनको भारत का भूगोल अगर पढ़ना है तो उनके लिए काम आ जाएगा। बिहार पुलिस में भी अब तो नया सिलेबस जो है 9th कर दिया है, तो उनके लिए भी वो बहुत इनफ रहेगा, आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्पेशल नहीं बताया जा सकता है कि यही किताब ले लीजिए, ठीक है ना। अदर जैसे हिस्ट्री में बहुत सारी किताबों से आता है, है ना, आपका पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ा बहुत नोट से हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड, फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे। आप सभी को थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है लाइटिंग दिख रहा होगा, तो फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और घबराना नहीं है, आएगा टोटली क्लास, आएगा आप लोग का टोटली क्लास, धीरे धीरे आप लोग को आते रहेंगे और मैं कराते रहूँगा, है ना, हर चीज़ उसमें बता दूंगा आपको, कोई भी उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। 1-2 दिन में समय दीजिए हमको, हर चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा, और इस क्लास का जो है एमसीक्यू जो है आज रात में आप लोग करा दूंगा, लगभग 40-50 एमसीक्यू दिखेगा उसमें, नाइट में आप सभी को करा दूंगा। एमसीक्यू लगाइएगा, चैप्टर आप लोग को क्लियर रूप से समझ आ जाएगा। हाँ, एमसीक्यू का पिछले कमेंट में आया कि लेवल उसको थोड़ा बढ़ाइए, लेवल बढ़ेगा, अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हो जाएगा ना, तो पूरे कंबाइंड जब लेके आऊँगा ना, तो उसमें बहुत डिटेल से लाऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आऊँगा, बहुत टॉप क्वेश्चन उठा कर लेकर आऊँगा, बहुत डिटेल्स होगा, हर कुछ होगा। अभी चैप्टर वाइज हो रहा है, चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताया जा रहा है, इजी है, कुछ उसमें हार्ड मिलेंगे, कुछ इजी मिलेंगे, तो उसको कीजिए, आगे आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा, फिर किसी दूसरे क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।